Very good evening guys, welcome to the Rishi Mahesh Academy's YouTube channel. So guys, today in this video, the article about which we will talk about is coup in the Kremlin. तो इन्होंने गाइस बात की है व्हाट द हिस्ट्री ऑफ रशियाज पावर स्ट्रगल्स सेज अबाउट पुतिन्स फ्यूचर, कि रशिया के अंदर जो मिलिट्री कू का इतिहास है, जो पावर स्ट्रगल्स की जो हिस्ट्री है, वो अब पुतिन के फ्यूचर के बारे में क्या बताती है। कई सारे आर्टिकल्स में आपने देखा, हमने बातें पढ़ी कि पुतिन की जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन में है रशिया के अंदर। तो रिजीम चेंज का ऑप्शन कितना रेलेवेंट है, कितना ओपन है, उसके बारे में आर्टिकल है। और जो इतिहास है इस चीज़ का रशिया में, वो क्या बताता है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ लॉस्ट टच विद रियलिटी। He has declared a partial mobilization to reverse his defeats in Ukraine and signaling his desperation ratcheted up Russia's nuclear saber rattling as well. Each day the war drags on, his country grows more isolated from the rest of the world. Increasingly, Russia depends on China to keep its economy from collapsing under the weight of sanctions, even as Chinese leaders express doubts about the invasion. तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रशिया के लिए, वो जिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो खुद भी डाउट करते हैं रशियन ओपिनियन के बारे में। सो रशियाज फेलियर टू टेक कीव एंड इट्स रीसेंट रिवर्सल्स इन द खारकीव रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन हैव लेड इवन प्रो पुतिन कमेंटेटर्स टू क्वेश्चन हिज डिसीजंस। And against this backdrop, it makes sense that many Russians are starting to ask how much longer Putin can stay in power and pressure his barbarous war. The handful of municipal deputies who boldly petitioned Putin to resign publicly expressed what many in the Russian political elite are privately pondering. And surely it seems someone in the murky halls of the Kremlin will decide that he must go. तो हम यही देख रहे हैं कि इस कदर जो सपोर्ट है रशिया के अंदर, वो नो डाउट डेवलप हो रही है, वेयर पीपल आर क्वेश्चनिंग पुतिन्स मूव्स एंड हिज इंटेंशंस और हिज स्ट्रेटजीज। और ये एक खतरा पोज भी कर रहा है पुतिन के फ्यूचर के ऊपर। अब सवाल यही है कि अगर पहले भी ऐसा कभी हुआ है, जो आर्टिकल का टाइटल है कि हिस्ट्री ऑफ द पावर स्ट्रगल्स इन रशिया आर ऑफ द ओपिनियन, कि मतलब ये जो पुतिन का फ्यूचर है वो थोड़ा डिक्लाइन में है। बट इवन इफ पुतिन्स डेप्यूटीज कंक्लूड दे वांट पुतिन आउट, रिमूविंग हिम फ्रॉम पावर विल बी डिफिकल्ट। मॉस्को हैज़ एक्सपीरियंस्ड नो कू अटेम्प्ट्स, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, सिंस द सोवियत यूनियन फेल, एंड देयर हैव नॉट इवन बीन सीरियस प्लॉट्स पब्लिकली नॉन वंस एट लीस्ट। Former Russian President Boris Yeltsin's confrontation with the Supreme Soviet in 1993, which ended only after Russian tanks fired on the parliament building, is the closest thing the country has experienced to a coup. पर अगर हम full-fledged military coup की बात करें, तो Russian state ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। And even that does not qualify, since it was a very public standoff between an executive एंड अ लेजिस्लेचर। मतलब कोई एज सच कॉन्स्पिरेसी नहीं की गई थी एग्जीक्यूटिव के द्वारा या मिलिट्री के द्वारा गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। येल्स्टीन्स रशिया हाउ एवर वॉज रिलेटिवली ओपन एंड डेमोक्रेटिक, अलाउइंग फॉर अ डिग्री ऑफ लेजिटिमेट कंटेस्टेशन। बट विद पुतिन क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट एंड टेकिंग रशिया इन टू एवर ब्लीकर अथॉरिटेरियनिज्म, द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन ऑफर्स अ मोर एप्ट कंपेरिजन टू द प्रेजेंट and better clues about what might make a coup succeed or fail today. The record here is still not terribly encouraging, but it is more mixed. Top officials successfully organized to topple Nikita Khrushchev. Others seized power during rare moments when the country lacked a clear head of state, जैसे कि अक्सर IR में होता है कि जब कोई central control पे नहीं है, या फिर कोई है तो पर अगर वो weak है, तो फिर खैर मिलिट्री कू का जो खतरा है या फिर जो रिजीम चेंज का एक सिनेरियो है वो ओपन हो जाता है। दीज ऑफिशियल्स टिपिकली डिस्प्लेड नो गाइडिंग आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, जस्ट रॉ एम्बिशन टू बी इन पावर।
Success depended largely on timing and force, moving quickly and aggressively when the incumbent leader displayed weakness. अगर आपने समय दे दिया उसको रीकू करने का या फिर रीराउट करने का, well, that definitely is going to be a concern. But in the case of Putin, there is no shortage of possible usurpers. The president's coterie of sycophants, crisis managers, and would-be heirs are a colorful bunch. They were selected for their unquestioning loyalty to Putin, but loyalty is a relative concept in a highly treacherous environment. And none of them can fully trust Putin, and none of them can afford to trust one another as well. And if they are brought to office through a coup, they will likely want to put significant daylight between themselves and their predecessor, including and perhaps especially his failures in Ukraine, ताकि वो जो पुतिन के बाद आए वो ये इंश्योर कर सके कि अब दोबारा कोई ऐसा ना हो. एंड इवन इफ दे कम टू पावर आफ्टर पुतिन डाइज, दे मे चार्ट अ न्यू कोर्स दैट लीड्स अवे फ्रॉम इम्पीरियलिज्म, क्योंकि वो रशिया को एक बार दोबारा से डेमोक्रेटिक और ओपन रशिया बनाने की कोशिश करेंगे. तो दोनों ही सिनेरियोज में बात तो खैर क्लियर है, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर बात ये नहीं हो रही कि आफ्टर पुतिन क्या. इस आर्टिकल के अंदर बात है कि पुतिन का फ्यूचर जो है वो क्या बोलता है, और ख़ास करके तब जब इतने डिसकंटेंट के माहौल में मिलिट्री कू की पॉसिबिलिटी ज़िंदा हो. सो इन द सोवियत यूनियन कू वर रेयर. कंसिडर फॉर इंस्टेंस द टेन्योर ऑफ जोसेफ स्टालिन, अ ब्रूटल डिक्टेटर हु अनलीश्ड डेकेड्स ऑफ ब्लडी रिप्रेशन that engulfed even leading communist officials. Of the 139 members and candidate members of the Soviet Union's Central Committee elected at the 1934 Party Congress, 98 were later arrested and shot at Stalin's behest. Obviously, क्यों? क्योंकि 139 में से 98 members जो हैं वो अगर Stalin के तरफ नहीं थे या फिर वो pro Stalin नहीं थे, तो ये दिखाता है कि वो अपने opponents के साथ कैसा बर्ताव करते थे. और ये बात ऑब्वियसली सोवियत यूनियन के बाकी जो वुड बी हेयर्स हैं उनको भी लगी होगी कि अगर स्टालिन के राज में अगर हम ऐसा करते पाए गए या अगर पता चल गया तो वो यही हाल करेगा. द वेंजफुल एंड पैरानॉइड ऑटोक्रैट टारगेटेड हिज क्लोजेस्ट कॉमरेड्स, ह्यूमिलिएटिंग देम और सेटिंग देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर. Khrushchev, his eventual successor, recalled in disgust that he thought a day was nigh when Stalin would pull down his pants and relieve himself in front of us and then say that this was in the interest of the motherland. And if such an outrage had happened, no one would have batted an eye. तो वही बात, अगर ऐसा लीडर हो तो फिर वो बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सोचता भी नहीं है. But in retrospect, अगर हम देखें, it seems almost inconceivable that the Soviet party elite tolerated the bloodthirsty tyrant, yet they did. That may have been in part out of recognition of Stalin's accomplishments as a veteran revolutionary and war leader. But it was also certainly out of fear for their own lives. दोनों ही बातें, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी था स्टालिन की अचीवमेंट्स को लेके जो उसने सोवियत यूनियन के लिए किया था, और एक डर भी है. सो कीपिंग हिम इन पावर वॉज डेंजरस, बट प्लॉटिंग अ कू वॉज इवन रिस्कियर. फेलियर वुड हैव मेंट सर्टेन डेथ. सो व्हेन स्टालिन डाइड, अ पावर स्ट्रगल एंसुड एंड इट वॉज नॉट काइंड टू हिज क्लोजेस्ट अकम्प्लिसेस. द फर्स्ट विक्टिम वॉज स्टालिन हेंचमैन एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर लेवरेंटी बेरिया, who was feared and despised by his colleagues. He already had control of the security services with their considerable surveillance and policing capabilities and their reputation for unmitigated brutality in Soviet Union. तो इसलिए लोगों ने उसको नहीं आने दिया. He had accumulated compromat on the other senior leaders as well. And what he did not have was the authority in the party and in the country which made it possible for others to move against him, provided they did so quickly. वो जो ऊपर बात लिखी कि अगर उन्होंने ऐसा करना था तो फिर aggressively और quickly ऐसा करना होता है, and that's what the people did. So Beria's ouster was so chaotic and so secretive that even today, with most relevant archives declassified, it is impossible to say exactly what happened. तो आज भी कहने का मतलब उस बारे में एक conclusive evidence नहीं है. But by most accounts,
Nikita Khrushchev and Prime Minister Georgi Malenkov played key roles. The two first quietly asked the other members of the Presidium, the top policy-making body in Soviet Union at that time, how they would react to a move against Beria, and then they smuggled several senior military officers, including Marshal Georgi Zhukov, into the Kremlin. And during a Presidium discussion, Khrushchev brought up Beria's sins, while Malenkov pressed a secret button that called for the military to move in and arrest the astonished Beria. So he was later tried by a kangaroo court where he was not allowed to defend himself, and he was found guilty and executed. तो ये अगर आप इसको एक स्पेसिमन मानते हो या अगर एक बेंचमार्क मानते हो मिलिट्री को का, तो ये एक प्रमाण है सोवियत यूनियन में इस बात का. एंड इन लेटर ईयर्स Khrushchev लार्जली sidelined Malenkov as well. No one would have expected such an outcome after Stalin's death. Khrushchev's credentials and political position were far inferior to Malenkov's, but Khrushchev could and did act decisively, even brusquely, which almost caused his downfall as well. ये लाइन सिर्फ Khrushchev के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये लाइन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि अगर इंटरनल स्टेबिलिटी का मैकेनिज्म आपका सोवियत यूनियन में, जहाँ पे कलेक्टिव ऑनरशिप की बात हुई, अगर वहाँ पे भी नहीं है, तो फिर पीपल ऑफ द रशिया रियलाइज्ड कि अगर ये यहाँ भी नहीं, तो फिर ऑब्वियसली फिर सोवियत स्टेट बनाने का या फिर एक कम्युनिस्ट यूटोपिया बनाने का जो इनका ख्वाब था, तो वो उनको लगा कि ये तो संभव ही नहीं. सो इन अ जून 1957 मीटिंग, अ ग्रुप ऑफ डिसग्रंटल्ड प्रेसिडियम हैवीवेट्स अक्यूज्ड Khrushchev of dictatorial propensities and attempted to oust to him. The vote at the presidium was 7 against Khrushchev and 4 in favor, and he almost lost power, but he managed to win Zhukov, then the defense minister, and KGB chairman Ivan Sirov to his side, and they helped mobilize his supporters in the central committee, which voted to overrule the presidium. 4 vote favor mein hone ke bawajood bhi उन्होंने वोट को ओवररूल करवा दिया. एंड सेवरल मंथ्स लेटर Khrushchev शोड हिज ग्रैटिट्यूड बाय रिमूविंग Zhukov फ्रॉम पावर. सो Khrushchev सर्वाइव्ड एट द टॉप फॉर अनदर 7 इयर्स बिफोर ही वाज फाइनली आउस्टेड इन अ पैलेस कू इन अक्टूबर 1964. लीडिंग द कॉन्स्पिरेसी वाज Khrushchev's ऑन प्रोटीज लियोनिड ब्रेजनेव, हु टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग डिसइंचेंटमेंट इन द पार्टी and government ranks with the Soviet leaders' endless bureaucratic reorganizations, his habit of humiliating his colleagues, his tendency to embrace cure-all economic fixes that fixed nothing actually, and above all, his insufferable boasting. तो ये सारे कारण थे जब लोगों में discontent generate हुआ, और फायदा उसी के नीचे काम करने वाले Leonid Brezhnev ने ही उठाया. So Brezhnev worked closely with Alexander Shelepin, Khrushchev's other protege and the former head of the KGB, as well as the current KGB head Vladimir Semiskazny. So they took advantage of Khrushchev's absence. Soviet leader was vacationing in Abkhazia when he was urgently recalled to Moscow, where his presidium colleagues presented him with a list of complaints and called on him to resign. तो अगर आप ये सारी बातों का बेंचमार्क देख भी रहे हैं, तो इससे यही पता चल रहा है ये कोई मिलिट्री कू वाली बातें नहीं है. ये हालांकि जितने भी प्रेसिडियम के लोग थे वो सब एक तरफ हो जाते थे लीडर के खिलाफ, तो ये तब आपके उसको आउस्ट कर देते थे. पर मतलब एज सच इन्होंने, हम कहें कि डायरेक्ट पावर का यूज़ करके और बंदी बना लिया हो या कुछ ऐसा कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं था. बट दिस टाइम द कॉन्स्पिरेटर्स केप्ट द रेस्ट ऑफ द एलीट इन लाइन. The hastily called party plenum confirmed that Khrushchev was to retire for health reasons. Brezhnev, seen at first as a compromise figure, gradually consolidated his hold on power by easing rivals, Shelepin first and foremost, out of office. और Brezhnev जो है आपके वो आ गए. तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आप जो ऊपर लिखी बातें देखें, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मतलब एज सच जो मिलिट्री कू की तरह होता है कि जब एक कोई डिक्टेटर या फिर कोई भी आपका एक पर्सन जो है वो
गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है और फोर्सफुली जब पावर को लेता है, ऐसा नहीं किया आप। मतलब एक पूरे प्रेसिडियम की मीटिंग बुलाते, वहाँ पे सब लीडर्स को एक तरफ करते और फिर लीडर के खिलाफ ओपिनियन वोट डलवा देते और लीडर जो है वो चला जाता। सो वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज पावर स्ट्रगल्स वॉज द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी डिफरेंसेज बिटवीन द कॉन्स्पिरेटर्स एंड देयर विक्टिम्स। ये पॉजिटिव बात भी है देखा जाए तो। द नोशंस दैट बेरिया रिप्रेजेंटेड अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट अप्रोच टू फॉरन पॉलिसी दैन डिड खुर्शचेव और दैट खुर्शचेव एंड मेलेंकोव हैड डीप डिसएग्रीमेंट्स ओवर डी स्टॉलनाइजेशन हैव नाउ लार्जली बीन डिसक्रेडिटेड। विक्टिम हो या फिर आपके जो लोग सत्ता में आना चाहते थे, उन दोनों में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। खुर्शचेव्स कॉमरेड्स डिड साइट हिज मिस एडवेंचर्स ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड हिज क्वारलिंग विद चाइना अमंग रीजंस फॉर हिज आउस्टर। देखो, कोई अनपॉपुलिस्ट पॉलिसीज तो ऐसी होती ही हैं अब किसी ना किसी मतलब पर्सन के राज में जो डिसकंटेंट का कारण बनती हैं, और खुर्शचेव के लिए भी उसकी क्वारलिंग नेचर बनी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान कुछ मिस एडवेंचर्स बने, बट अल्टीमेटली सोवियत एलीट्स कंसिडर्ड फॉरेन पॉलिसी अ स्पेशलिटी एरिया वेयर ओनली द टॉप लीडर हैड द एक्सपीरियंस एंड जजमेंट नेसेसरी टू मेक डिसीजंस। सो इट प्लेड अ सेकेंडरी रोल टू डोमेस्टिक कंसर्न्स एंड फंडामेंटली पैलेस कूप्स वर अबाउट पर्सनल रिलेशंस इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, नेकेड एम्बिशंस एंड द बैक स्टैबिंग ऑफ राइवल्स। जैसे निकिता खुर्शचेव ने किया अपने उस समय के राइवल्स के साथ, और फिर उसके बाद आपके लियोनिड ब्रेजनेव ने किया अपने कुछ लोगों के साथ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ऑल्सो नोटेबल वॉज द फेलियर ऑफ द मिलिट्री ब्रास और द सिक्योरिटी सर्विसेज टू कैपिटलाइज ऑन द इंट्रीग। इसे फेलियर नहीं कहेंगे, ये एक वेल कॉन्शियस थॉट आउट चॉइस थी। कभी मिलिट्री को ऐसा लगा नहीं कि मतलब उन्होंने इस तरीके से कंट्रोल या पावर को वील्ड करना है। The army and security services played an essential role in helping leaders take power, and yet neither Zhukov nor Shalapin nor Semikhyastnyi managed to benefit much from the fruits of their labor. So after Beria's ouster, the senior party leaders kept the military and the KGB at an arm's length. The Soviet Union never became a military junta. Indeed, when the military and the KGB attempted to lead a coup, as they did in 1991 against late Soviet President Mikhail Gorbachev, they proved incredibly incompetent and were promptly defeated. तो हालांकि एक बार उन्होंने कोशिश की भी गॉर्बचेव के खिलाफ, जिसके ओपननेस के रिफॉर्म सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने की तरफ मजबूर कर रहे थे, but that too miserably failed. So finally, there was never a trace of foreign involvement in any of these power struggles. Beria was accused by his opponents of being a Western spy, but this was a preposterous allegation. In 1957, Khrushchev expressed gratitude to the Chinese for backing him, but their support came after the fact that Beijing was not and could not be involved in the Kremlin's intrigues. वो दौर अलग था भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि चाइना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था तो वो फेज़ अलग था। इन 1964 चाइना वेगली होप्ड दैट खुर्शचेव वुड बी आउस्टेड बिकॉज ही परस्यूड एंटी बीजिंग पॉलिसीज, बट इट प्लेड नो रोल इन हिज डाउनफॉल एंड ब्रेजनेव स्टेड हिज कोर्स। सो द अमेरिकन्स एंड द चाइनीज फाउंड देमसेल्स सपोर्टिंग अपोजिट साइड्स इन द 1991 कू अटेम्प्ट। But just as US President George Washington Bush quietly reconciled himself to continuing his dialogue with the junta, Beijing quickly backpedaled its support for the military and in time pragmatically embraced the radical democrat Boris Yeltsin. Kyun? Kyunki 1990s mein jaate jaate agar aap American aur Chinese relations ki baat karo, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो ख़राब हो गए थे, पर वो सोर ज़रूर होने लग गए थे एंड डेफिनेटली देर वॉज काइंड ऑफ टसल बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो फॉलोइंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द क्रेमलिन्स इन फाइटिंग इज़ अ डिफिकल्ट एंडेवर। पॉलिटिकल अलायंसेज एट द टॉप टेंड टू शिफ्ट वेरी क्विकली। द आउटकम्स ऑफ पावर स्ट्रगल्स हिंज ऑन परसेप्शंस ऑफ सक्सेस एंड मोस्ट प्लेयर्स प्रेफर टू सिट इट आउट ऑन द साइडलाइंस। Sometimes the machinations lead to nothing, so for all the failures and abuses, a leader may well live out his life in power and die from natural causes rather than out of the context of military coup.
and there is scarcely any doubt that Putin prefers this final scenario. Although some observers speculated that the constitutional amendments he pushed through in March 2020, which made it more difficult for former presidents to be stripped of immunity, were designed to let him retire, that prospect now seems inconceivable. क्यों? उसे ये भी लगा कि मतलब जो former presidents हैं, क्योंकि पुतिन को शायद इस बात का realize हुआ हो कि he will also become one day the former president, तो उनसे इम्यूनिटी ना छीनी जाए, तो इसलिए भी उसने ये काम खैर किया होगा इस बात को ध्यान में रखते हुए that the day will come when he will be out from power. So Kazakhstan's president Nur Sultan Nazarbayev found himself embroiled in scandals and targeted by mass protest several years after stepping down in March 2019, which demonstrated to other autocrats that even orchestrated transitions rarely work as intended. तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो ट्रांजिशन ऑफ द पावर है वो पीसफुल ही हो, और अगर वो ऑटोक्रेटिक है तो फिर वो वायलेंट ही हो. यही उन्होंने पहले बताया, और आर्टिकल का जो हमारा सार है वो भी यही है कि हिस्ट्री ऑफ द पावर स्ट्रगल्स इन रशिया ये दिखाते हैं कि पुतिन का फ्यूचर जो है वो क्या है. सो पुतिन हैज़ लाइकली डिसाइडेड टू स्टे इन ऑफिस, बट एज हिज रेन ऑफ करप्शन एंड इनफेमी अप्रोचेज इट्स 23rd एनिवर्सरी and as Putin nears 70, it is almost certain that his would-be replacements are carefully eyeing one another and thinking through potential succession scenarios. Defense Minister Sergei Shoigu, an apparatchik of distinguished pedigree but a now hopelessly tarnished military record, is an unlikely contender, though his support will be essential for any power-grabbing plot. क्योंकि वो इतनी पावर तो वील्ड करते ही हैं कि वो जिसकी तरफ होंगे तो फिर डेफिनेटली वो एक एडवांटेज ज़रूर बनेगा. द हेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल निकोलाई पेट्रुशेव इज समटाइम्स नेम्ड अमंग पुतिन्स सक्सेसर्स, बट दिस सीम्स अनलाइकली इफ फॉर नो अदर रीजन देन ही इज इवन ओल्डर देन पुतिन. सो फॉर्मर प्रेजिडेंट दिमित्री मेदवेदेव हैज़ रिजॉर्टेड टू जीनोसाइडल रियटोरिक टू स्टे रेलिवेंट, बट नो वन टेक्स हिम सीरियसली एज वेल. So the devious chairman of the state Duma, Vyacheslav Volodin, is clearly in the running, and he controls the rubber stamp legislature crucial for any post facto legitimization of the new leader. Or वो तो खुद आपके Duma के head हैं, तो definitely एक कारण ये भी होगा उनको consider करने का. And then there is Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, the able technocrat and a dark horse galloping across terrain where dark horses have historically scored big victories. Former Prime Minister Sergei Kiryenko, a lapsed liberal whom Putin has entrusted with the oversight of occupied Ukrainian territory, has his hat in the ring. Viktor Zolotov, Putin's former bodyguard and the present head of the National Guard, may well hope to succeed his boss, and so could Alexander Kurenkov, another former Putin bodyguard and now the Minister of Emergency Situations. And finally, there are the outsiders, jaise ki indefatigable Chechen Don Ramzan Kadyrov and Yevgeny Prigozhin, a Putin confidant and Russian oligarch who controls the paramilitary Wagner Group. ये Wagner Group आपका private mercenaries का group है. तो जितने भी नाम आपने देखे, एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन रिप्लेस पुतिन कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड कंसिडरिंग द डिमांड. सो ऑल दीज कैंडिडेट्स आर इम्प्लिकेटेड इन पुतिन्स मेनी वायलेंट एक्ट्स, इंक्लूडिंग हिज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स. एंड ऑन द सर्फेस इट सीम्स दैट ईच वन्स असेंशन वुड चेंज लिटल अबाउट रशियाज फॉरेन एजेंडा, but the Kremlin's power plays rarely involve questions of principle, and successors may well break with the behavior of predecessors when convenient. And that means that Putin's eventual replacement does not have to be invested in his neo-imperialist agenda. Indeed, were Putin ousted, his successors would likely blame Ukraine on his decisions and try to begin with a clean slate, naki वो आपके यूक्रेन डिसीजन को खुद पे लेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो मिले. सो एनालिस्ट ऑफ कोर्स डू नॉट नो कि वेदर लॉसेस इन यूक्रेन विल शेक पुतिन्स होल्ड ऑन पावर और नॉट, एंड हिज सक्सेसर मे अल्टीमेटली कंटिन्यू द वॉर टू प्लेकेट रशियाज अल्ट्रा नेशनलिस्ट
or simply because of inertia. But if Putin does go, the world should use his departure as a chance to resume negotiations for Russia's withdrawal from Ukraine and adopt Russia or make Russia a democratic one. So, a post-Putin Russia may still be autocratic, but it does not have to continue his reckless overseas adventures. क्यों? डिक्टेटर तो और भी हैं, देखिए दुनिया में ऑटोक्रेट्स तो और भी हैं, पर अगर कोई इस तरीके का कंट्रोल एक्सरसाइज करता है तो प्रॉब्लमेटिक होता है. अदरवाइज जैसे कि आर्टिकल के टाइटल में कहा, रशिया के अंदर जो हमारी हिस्ट्री है पावर स्ट्रगल्स की, वो पुतिन के फ्यूचर के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है कि अगर कोई ना कोई इनका क्लोजेस्ट एडी इस बात की शुरुआत करता है तो देन डेफिनेटली वुड बी अ थ्रेट टू व्लादिमीर पुतिन्स बिहेवियर. तो ये हमारा एक बेहतरीन सा आर्टिकल कू इन द क्रेमलिन. तो पुतिन के साथ जो हो सकता है आने वाले समय में, ये उसी के बारे में बात है. उन्होंने क्लोजेस्ट एडीज के बारे में भी बता दिया, या बाकी कई और अगर एग्जीक्यूटिव के इंस्टीट्यूशनल हेड्स बैठे हैं तो उनके बारे में भी बात आपकी हुई. सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू सी गाइज इन द आर्टिकल. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट, सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन, यू कैन लाइक द वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट वट एवर दैट यू फील अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर.